हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जुलाई के आखिरी हफ्ते तक, एंड आखिरी हफ्ता है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट जो है कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे कंटेंट जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट जॉनर के आने वाले हैं। सो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से सारे कंटेंट आपको किस तारीख पे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा और किस वक्त पर ये रिलीज़ होगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी राय क्या है। और जल्दी से शुरू करते हैं कि 26 तारीख को कौन सा पहला कंटेंट रिलीज़ हो रहा है। तो 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है एक दुआ, जो कि वूट सिलेक्ट पे रिलीज़ होने वाली है। तो ये रिलीज़ होने वाली है 12 AM मिडनाइट को, जैसे ही 26 तारीख लगेगी तब ये रिलीज़ हो जाएगी। सो इसमें ईशा देओल मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो ईशा देओल इज़ कमिंग बैक एंड वो OTT पे अब मतलब अपना डेब्यू कर रही है। सो ये फिल्म आने से ही पता चलेगा कि इनका डेब्यू कितना ज़्यादा दमदार था या इतना ज़्यादा दमदार नहीं था। सो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो कि रिलीज़ होने वाली है 27 तारीख को। इसका नाम है लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। ये भी एक शॉर्ट फिल्म है, ये भी वूट सिलेक्ट पे ही रिलीज़ होने वाली है 12 AM मिडनाइट को, जैसे ही 27 तारीख लगेगी। तो इसमें बहुत सारे एक्लेम्ड नहीं तो अंडररेटेड एक्टर्स हैं आप बोल सकते हैं, जैसे कि दीपानिता शर्मा, नताशा रस्तोगी, आदिल हुसैन, शिबानी दांडेकर और भी बहुत सारे लोग। सो ये देखने के लिए मतलब शॉर्ट फिल्म्स जो सारे के सारे जो बहुत सारे अवार्ड विनिंग है और ये वूड सिलेक्ट लगातार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पे रिलीज़ कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं तो कौन से फिल्म के लिए जो इस हफ्ते रिलीज़ हो रहा है एक्साइटेड हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट तारीख की तरफ, जो कि है 28 तारीख। इस दिन रिलीज़ हो रही है जान जिगर, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। ये भी वूड सिलेक्ट पे ही रिलीज़ होने वाली है, ये भी 12 AM मिडनाइट, जो कि 28 तारीख जब लगेगी तब ये रिलीज़ हो जाएगी। तो इसमें मेन कास्ट में जिगर एंड शिवानी रघुवंशी है। तो बढ़ते हैं 29 तारीख की तरफ, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है अनदर वूड सिलेक्ट की ही है, जो जिसका नाम है लाइंस। तो इसमें मेन लीड में है हीना खान। तो हीना खान को कौन नहीं जानता भाई, शी इज़ वेरी पॉपुलर इन टेलीविज़न इंडस्ट्री एंड उन्होंने OTT पे डेब्यू कर दिया है एंड बहुत लोगों ने उनको सराहाया भी है। तो ये फिल्म कितनी ज़्यादा उनके करियर को के लिए अच्छी होने वाली है या गेम चेंजर होने वाली है या कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे कंटेंट की तरफ, जो कि 29 में ही रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है चत्रासल। तो ये वेब सीरीज़ है एंड ये रिलीज़ होने वाली है MX प्लेयर पे। एंड आपको पता ही है MX प्लेयर के सारे कंटेंट जो है 12 बजे, जो कि मिडनाइट होता है 12 AM को रिलीज़ हो जाएगा, जैसे ही 29 तारीख लगेगी। तो इसमें मेन लीड में है आशुतोष राणा एंड जतिन गुलाटी। तो ये मुग़ल साम्राज्य की स्टोरी है, औरंगज़ेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आशुतोष राणा। एंड इसका ट्रेलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था गाइज। तो वेब सीरीज़ आने के बाद पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो बढ़ते हैं 30 तारीख की तरफ, जो कि एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है मिम्मी। तो मिम्मी बहुत ही ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा खबरों में है, क्योंकि इसमें कृति सरन जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड डिफरेंट रोल में दिख रही हैं। मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा था एंड देखते हैं कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स एज वेल एज जियो सिनेमा दोनों OTT प्लेटफॉर्म में सेम टाइम में सेम दिन में ही रिलीज़ होने वाली है। तो इसका टाइम होगा 30 तारीख को दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में रिलीज़ होगा। तो इसका एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन 12 बजे से 2 बजे के अंदर किसी एक टाइम पे रिलीज़ हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे कंटेंट की तरफ, जो कि 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है द शैलास। तो ये भी एक शॉर्ट फिल्म है वूड सिलेक्ट की। तो इसमें बहुत सारे थिएटर एक्टर्स हैं जो कि यहाँ कास्ट किए गए हैं। तो मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, इतने ज़्यादा जो थिएटर एक्टर्स हैं मैं उनको इतना ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि दे माइट बी डूइंग थिएटर ओनली एंड नहीं तो मैंने उनको नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में। तो पढ़ते हैं तीसरे कंटेंट की तरफ, जो कि 30 को रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स सीज़न 2। तो सिटी ऑफ ड्रीम्स जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP में रिलीज़ होने वाली है और इसका रिलीज़ टाइम है
मतलब मिड नाइट 12 AM ही जैसे ही 30 तारीख लगेगा। एंड मैं बोल दूँ, ये स्टोरी जो है एक पॉलिटिक्स ड्रामा होने वाली है, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बाप और बेटी जो कि आर पार खड़े हैं, एंड मतलब एक पॉलिटिक्स, जैसे अगर आपको पॉलिटिकल सिनेरियो, अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड सीज़न 1 जो है वो इतना ज़्यादा फेमस, मतलब पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन सीज़न 2 का ट्रेलर मुझे ज़्यादा दमदार लग रहा है। एंड देखते हैं कि इस बार किसके मतलब सह और मात कौन देता है एक दूसरे को। एंड प्रिया बापट एंड अतुल कुलकर्णी मेन लीड में हैं, तो देखना एक्चुअल में दिलचस्प रहेगा कि ये वेब सीरीज़ कितनी खास और कितना ज़्यादा दमदार साबित हो पाती है नहीं। तो बढ़ते हैं 31 तारीख की तरफ, जो कि एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, वो भी वूड सिलेक्ट का ही है, जिसका नाम है लिहाफ। तो ये जो स्टोरी है बेस्ड है इसमत चुगताई की स्टोरी के ऊपर। इसमत चुगताई शी इज़ अ वेरी मतलब एक्लेम्ड राइटर, बहुत ही पुराने ज़माने की लेखिका रह चुके हैं, और उनका स्टोरी पे ही बेस्ड ये एक शॉर्ट फिल्म है। तो इसमें बहुत सारे एक्लेम्ड एक्टर्स हैं, जैसे तनिष्ठा चटर्जी, सोनल सहगल, अनुष्का सेन, नमिता लाल, मीर सरवर, वीरेंद्र सक्सेना, शोएब निकासा, तारिक खान और राहत काजमी। तो ये भी जैसे कि आपको पता है वूड सिलेक्ट के अदर सारे कंटेंट की तरह, ये भी 12 AM मिडनाइट जैसे ही 31 तारीख लगेगी तभी लाइव हो जाएगी वूड सिलेक्ट पे। सो ये सारे कंटेंट जो थे वो रिलीज़ होने वाली है इस हफ्ते। सो आप किस कंटेंट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो कैसी लगी ये रिव्यू, सॉरी कैसी लगी ये वीडियो, वो भी ज़रूर बताइएगा। सो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।